महंत नित्य गोपाल दास ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे, जिसको लेकर विवाद हो रहा था और संत समाज जो नाराज बताए जा रहे थे, इसे लेकर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वीएचपी के उपाध्यक्ष चंपत राय ट्रस्ट में शामिल होंगे, महामंत्री होंगे। महंत कमल नयन दास ने अध्यक्ष को लेकर दावा किया है, महंत नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी हैं। और अब ये खबर आ रही है, कमल नयन, गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत हुई है, उस बातचीत का जिक्र करते हुए ये बातें कह रहे हैं। ट्रस्ट गठन को लेकर संतों ने विरोध किया था, लेकिन आश्वासन दिया गया था, उनसे बातचीत की गई थी, जिसके बाद जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग नहीं हुई। और खबर आ रही है कि अब जो अध्यक्ष, जो ट्रस्ट के मेंबर होंगे, उसमें इनका नाम शामिल किया जाएगा। कल भी हमने आपको बताया था कि क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, किस तरीके से नाम जो है वो शामिल किया जा सकता है। तो खबर इस वक्त यही आ रही है कि महंत नित्य गोपाल दास ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे। बीजेपी के कई बड़े नेता संतों के संपर्क में थे, ये कहना है कमल नयन का, जो उत्तराधिकारी हैं महंत नित्य गोपाल दास के। तो बातचीत हुई है अमित शाह से, और जिस तरीके से कवायद की जा रही थी, क्योंकि पूरे देश को इस चीज का इंतजार था और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी, जब प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और आगे का मार्ग प्रशस्त किया, तो जब नाम आए, वो 15 नाम आए, उसके बाद से कहीं ना कहीं संत समाज के भीतर एक नाराजगी देखने को मिली थी, लेकिन नाराजगी जिस बात को लेकर थी उस बात को दूर कर दिया गया। अरे हम आज के बहुत दिन पहले से घोषणा कर चुके हैं कि अमुक ऐसा होगा, अध्यक्ष महाराज जी रहेंगे, महामंत्री चंपत जी रहेंगे, लेकिन परसों लगा कि हमारी बात झूठी हो जाएगी। उसी पर यह हुआ कि नहीं, हमारी बात बिल्कुल सत्य है, वो झूठी नहीं हो सकती है। यही बात चंपत का नाम विश्वास से हमारी हुई, उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महाराज जी ही हमारे रहेंगे, उन्हीं के देख रेख में कार्य होगा, और कोई बात नहीं। और हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, आखिरकार ये कह सकते हैं खुशखबरी है, संतों में अब नाराजगी तो पूरी तरह से दूर हो चुकी होगी, क्योंकि कल ही देखने को मिला था रुख उनका साफ हो चुका था। जी हाँ, बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है आज जो संतों का विरोध हुआ था, उसके बाद आज जो है अमित शाह के फोन से बात होने की बात सामने जो आ रही है, तो माना जा रहा है संतों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अध्यक्ष अगर गोपाल दास जी बनाए जाएंगे तो एक बड़ा सत्ता जो है अयोध्या की ओर देखने को मिलेगा, और महंत नित्य गोपाल दास अध्यक्ष होंगे और चंपत राय महामंत्री, इसका दावा महंत कमल नयन दास ने किया है। उन्होंने साफ कहा कि आज दोपहर में जो है अमित शाह से फोन पर वार्ता हुई है, उसको लेकर इसके बाद ये मामला सामने आया है। वहीं पर उन्होंने नामों को भी स्पष्ट कर दिया है कि उनसे वार्ता में महंत नित्य गोपाल दास को अध्यक्ष बनाए जाने की बात सामने आई है। जी, कब तक इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी सत्य प्रकाश, क्या कुछ कहा है? और लोगों से मुलाकात जो हो रही है, विशुद्ध प्रसाद हो चाहे अयोध्या के संत हो, इन लोगों से लगातार बात हो रही है। माना जा रहा है कि प्रयागराज में कोई बैठक होने वाली है, जल्दी इसकी घोषणा होगी कि प्रयागराज में बैठक कितने तारीख को होगी, लेकिन उस प्रयागराज बैठक में ये तय होगा, उसमें नाम शामिल किया जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ये घोषणा भी उस तारीख में हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के